ही ऐसा कोई होगा जिसके घर में चाय ना बनती हो और उस घर के लोग चाय ना पीते हो। चाय पीने के मामले में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। यहाँ औसतन इंसान 750 ग्राम तक चाय एक साल में पी जाते हैं। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो चाय हम इतने मजे से बार बार पीते हैं, क्या वो फायदेमंद है या नुकसानदायक। मेरा नाम है अनीता और आज हम चाय के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो बात जब चाय के फायदे की आती है तो आपने शायद ही इसके कोई गुण या लाभ सुने होंगे, पर जब बात नुकसान की आती है तो भले ही आपको सटीक नुकसान न पता हो, लेकिन इतना जरूर अपने दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे कि चाय पीने से नुकसान होता है। तो चलिए आज हम आपको इसके एकदम सटीक जानकारी देते हैं कि चाय पीने से आपको क्या नुकसान या परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। चाय में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होते। इसको रोज पीने से आपको इसकी लत लग जाती है और जब आपको चाय नहीं मिलती तो आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर थक चुका है, सर में दर्द हो रहा है और कुछ छूट सा गया है। ये बस एक तरीके का नशा है जिसे जब आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये परेशानी उत्पन्न होती है। इतना जानने के बावजूद बहुत से लोग फिर भी इसे पीते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए क्या क्या नहीं करते, जैसे क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, व्यायाम करना है इत्यादि। अब बात करते हैं चाय कितना नुकसानदायक है। चाय से आपको आंतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आप में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं और उन्हें भूख नहीं लगती। इसका मतलब उस व्यक्ति का पाचन शक्ति सही नहीं काम कर रहा है और रोजाना चाय उसे धीरे धीरे और बिगाड़ देता है। इसलिए उन्हें ठीक से भूख नहीं लगती और धीरे धीरे उनकी भूख खत्म सी हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। हद तो तब होती है जब हम सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं। इससे कुछ वक्त बाद आने वाली बीमारी भी जल्द ही होना शुरू हो जाती है। इससे पेट में गैस, जलन जैसी परेशानियां होती तो है ही, साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन सारी बीमारियों से बचना है तो चाय पीना छोड़ना होगा, और चाय छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको चाय की लत लगी है तो शुरू में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप एक ही बार ना छोड़कर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया में आप चाय की मात्रा कम कर चीनी वाले चाय को गुड़ की चाय से बदल सकते हैं। उसके बाद आप बिना दूध वाले काली चाय अपना सकते हैं। अंत में आप पूरी तरह से खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप चाय कभी भी ना पिए। आप बेशक चाय पी सकते हैं, लेकिन उसका सही मात्रा होना चाहिए, उसका लत या नशे का शिकार ना हो जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं, चाय पीना या स्वस्थ रहना। तो अगली बार आप चाय पिए तो इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखें। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।